कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर आज भारत माता प्रतिमा स्थल में एक शाम प्रभु श्री राम के नाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी ने बताया कि आज पूरा भारत ही नहीं पूरा अखंड विश्व राममय हो रहा है। व्यापार मंडल के सभी व्यापारी वर्ग राम मंदिर के आयोजन एवं निर्माण में तन मन धन के सफल बनाने में सहयोग पूरे खुले मन से कर रहे हैं। हमारा कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का पूर्व संध्या का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अद्भुत राममयी था। मुकुंद मिश्रा जी ने बताया, हम व्यापारियों ने मात्र दो दिन के लिए 5-5 शुद्ध घी के दिए प्रज्वलित करने की अपील की। महामंत्री श्री कृपा शंकर ने बताया, मुकुंद मिश्रा अध्यक्ष महामंत्री संरक्षकों के द्वारा सभी राम भक्तों को तिलक केसरिया पगड़ी राम दुपट्टा एवं माला पहना कर कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। संयोजक संदीप जैन ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत अभिनव मोहन के भाव नृत्य एवं वृदल मोहन के राम भजनों से की गई। महाराजा दशरथ के यहाँ प्रभु राम का जन्म उत्सव एवं अयोध्या में 14 वर्षों की प्रतीक्षा उपरांत वापसी जैसे नाटक रिदम डांस ग्रुप के द्वारा लघु प्रस्तुति से सभी राम भक्त भाव विभोर हो गए। उसके उपरांत व्यापारी एवं राम भक्तों ने प्रभु राम की 501 शुद्ध घी दीपकों में महाआरती की। सुन म्यूजियम ग्रुप ने भजनों से पूरा वातावरण राममय व भक्त झूम कर नाच रहे थे, जैसे मानो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक राम भक्तों के कदम नहीं रुकेंगे। कोषाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया कि आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी व्यापारी वर्ग व परिवार उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। Oh,